जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को किस तरह से परखा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की फादियत या उसकी इफेक्टिविटी जानने के लिए ये फॉलोइंग पॉइंट्स को जहन में लाना चाहिए। सबसे पहले है थ्रूपुट, यानी एक टाइम पे कितना ज़्यादा डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद है डिले, डिले का मतलब कितनी देर लगती है डेटा को ट्रैवल करते हुए। अगर हम ये चाहते हैं कि थ्रूपुट बढ़ाई जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कि जो चैनल है या जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसकी कैपेसिटी जितनी वो डेटा एक टाइम पे ले जा सकता है, ट्रैवल करवा सकता है, उसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज करें। और हम ओवर यूटिलाइज करने की जब कोशिश करें तो हम उसको चोक कर दें, यानी हम उसमें कंजेशन ले आएं। कंजेशन का मतलब है कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हम उसके ऊपर डाल दें कि जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, और इस वजह से जो ट्रैफिक है वो जो हम मजीद उसके ऊपर सेंड करते जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर, उसको देर लगनी शुरू हो जाएगी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए। क्यों? क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कंजेशन है। बिल्कुल जैसे एक सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियां उस सड़क की कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाएं जो एक टाइम पर ट्रैवल कर सकती हैं, तो कुछ गाड़ियों को वेट करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जो नेटवर्क में पैकेट्स हैं डेटा के, उनको फिर जो सोर्स डिवाइस है उसके ऊपर वेट करना पड़ता है कि आगे जो मीडिया है, मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है, उसमें जगह होगी तो फिर वो उसके ऊपर ट्रैवल कर सकेंगे। परफॉर्मेंस, ये भी नेटवर्क को जांचने का एक और मैट्रिक्स है। परफॉर्मेंस को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, द ट्रांजिट टाइम, मैसेज ट्रैवल टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑल्सो। यानी जब एक मैसेज सेंड किया जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को, और उसके मुकाबले में जो रिसीविंग डिवाइस है वो कोई रिस्पॉन्स सेंड करती है सेंडिंग डिवाइस को, तो इन दोनों में जितना देर लगती है, यानी जब ओरिजिनली मैसेज सेंडर ने सेंड किया रिसीवर को, उस मैसेज को कितनी देर लगी पहुंचने में रिसीवर तक, और उसके बाद यानी हम इसको कह सकते हैं इंक्वायरी की अगर सेंडिंग डिवाइस है, तो जो दूसरी डिवाइस है उसने उसको जवाब में जो जवाबी पैकेट भेजा या जवाब भेजा या रिस्पॉन्स भेजा उसको कितनी देर लगी, ये भी नेटवर्क को अवेलुएट करने में एक मैट्रिक्स है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिलायबिलिटी। इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नेटवर्क फेलियर, टाइम टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर एंड रोबस्टनेस फ्रॉम डिजास्टर। यानी नेटवर्क किस तरह से जो फॉल्ट्स आ सकते हैं उसमें से फॉल्ट्स के होते हुए भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक जारी रख सकता है, ये फॉल्ट्स कितनी दफा आते हैं, और नेटवर्क्स अगर इन फॉल्ट से रिकवर करता है तो वो कितने जल्दी रिकवर कर जाता है। फॉल्ट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे आम एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन मीडिया में कोई खराबी आ गई है, कोई डिवाइस में खराबी आ गई है, कोई सेंडर में खराबी आ गई है, डिवाइस में, रिसीवर में खराबी आ गई है। इस किस्म के एरर्स कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ अकर होते हैं किसी नेटवर्क में, यानी कितनी बार बार अकर होते हैं, कितनी दफ़ा अकर होते हैं, और अगर एक दफ़ा कोई एरर आ जाता है तो उससे नेटवर्क कितनी जल्दी रिकवर कर जाता है। फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस रीस्टार्ट हो जाती है, कोई अल्टरनेटिव डिवाइस लगानी पड़ती है, इस किस्म की दूसरी जो फेलियर से निपटने के जो मुख्तलिफ तराकीब हैं उसमें नेटवर्क कितनी जल्दी उसमें से निकल आता है इस खराबी में से। और रोबस्टनेस, यानी अगर खराबियां आती हैं तो नेटवर्क किस तरह से उसको मुकाबला कर सकता है उन खराबियों को, ये भी नेटवर्क को परखने या उसको एवेल्युएट करने में एक मैट्रिक्स अपनी जगह रखती है। इसके बाद
सिक्योरिटी, हम कंप्यूटर नेटवर्क के लेवल पे बात कर रहे हैं जहां एक डिवाइस फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर दूसरे डिवाइस फॉर एग्जांपल एक दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है। ये डेटा कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो सेंडर है वो इसको किसी तरह से कोई एल्गोरिथम इसके ऊपर अप्लाई करके इसको खुफिया तरीके से कोड करके सेंड कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि ये खुफिया तरीका या इंक्रिप्शन ना अप्लाई की जा रही हो, फिर भी सेंडर नहीं चाहता है कि रिसीवर के अलावा किसी और डिवाइस को ये मैसेज पहुंचे या किसी और डिवाइस ये मैसेज पढ़ सके। नेटवर्क सिक्योरिटी की स्मॉल सी डेफिनेशन है, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डैमेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी फ्रॉम ब्रीचेस एंड डेटा लॉस। यानी एक नेटवर्क के ऊपर जो डेटा ट्रेवल कर रहा है उसको किस तरह अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जा सकता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हर वो डिवाइस हर वो कंप्यूटर है कि जिसको सेंडर नहीं चाह रहा कि उसको ये डेटा मिले या वो इसको पढ़ सके। एंड डेटा डैमेज, यानी डेटा को किसी तरह से चेंज कर दिया जाए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। और इन सब से निपटने के लिए क्या सिक्योरिटी पॉलिसी जो है अप्लाई की जाए और किस तरह के तरीके प्रोसीजर्स अपनाए जाएं कि अगर कोई ऐसा वाकया हो भी जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो भी जाए, डेटा डैमेज हो भी जाए, तो इसे किस तरह से रिकवर किया जा सकता। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी भी अपनी जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है कि जिससे हम नेटवर्क को एवेल्युएट करते हैं। नेटवर्क को एवेल्युएट करने के साथ साथ, यानी नेटवर्क क्राइटेरिया के साथ साथ, हमें यह भी गौर करना है कि नेटवर्क का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, यानी नेटवर्क के कनेक्शन कैसे, यानी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है लेकिन क्या वो नेटवर्क पे ट्रैफिक फ्लो भी करेगी उसके बाद कनेक्शन के बाद या नहीं। कम्युनिकेशन कैन ओनली टेक प्लेस इफ द डिवाइसेज आर सिमल्टेनियसली कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन पाथ और लिंक और कनेक्शन। सबसे पहली बात, इन नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रैवल करवाने से के लिए सबसे पहली बात कि दोनों डिवाइसेस को सेम लिंक से, सेम कनेक्शन से या सेम कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्टेड होना चाहिए। दो डिवाइसेस किसी भी लिंक से कनेक्ट हो सकती हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आपस में कम्युनिकेट भी करें। अब ये लिंक किस तरह का हो सकता है? सबसे पहला बेसिक लिंक है पॉइंट टू पॉइंट, यानी डायरेक्टली एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम ऑफ कोर्स। केबल भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकता है। और मल्टी पॉइंट कनेक्शन, यानी कोई ऐसी शेयर डिवाइस शेयर चैनल के थ्रू दोनों डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं।